आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और जो मोबाइल की स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये सभी व्यापारी है, सब्जी के और फल फ्रूट के व्यापारी है। ये बालोतरा से आए हैं, बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। अब इनकी समस्या क्या है मैं साथियों आपको बता देता हूँ। ये सभी व्यापारी है, करीब 40 वर्षों से बालोतरा सब्जी मंडी के अंदर सब्जी का फल फ्रूट का व्यापार करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अब वहाँ पर अलग अलग दुकानें बनी है छोटी छोटी, जो सब्जी मंडी में व्यापारियों को देने के लिए। तो ये बता रहे हैं, ये जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं। इनकी मांग है कि जो पुराने व्यापारी है सब्जी के उनको अस्थायी किया जाए। तो ये इसलिए आए हैं, मगर ये कह रहे हैं कि जो हम 40 वर्षों से बैठे हैं हमारे को दुकान नहीं देते हुए, ये जो अलग 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 व्यापार करते हैं उनके लिए दुकानें आवंटन हो रही है। तो उसकी मांग को लेकर ये कह रहे हैं कि वहाँ सचिव भ्रष्टाचारी फैला रहा है वहाँ पर बालोतरा सब्जी मंडी में। तो जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपने आए, इनकी क्या मांग है अपन इनसे बात करेंगे, थोड़ी जानकारी लेंगे। तो उससे पहले एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो ताकि ये पोस्ट सभी नेताओं तक अधिकारियों तक पहुँचे, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? सर मेरा नाम मुकेश माली है, मैं बालोतरा सब्जी मंडी में व्यापार करता हूँ, और पिछले 40 वर्षों से मेरे पिताजी व्यापार करते थे। अभी कोरोना में उनका डेथ हो गया था, जिसमें कोरोना टाइम में सचिव द्वारा SDM द्वारा हमें अस्थायी तौर पे न्यू फल सब्जी मंडी में शिफ्ट किया गया था, जिनमें हमें अस्थायी प्लेटफॉर्म दिए गए थे। उसके बाबत में हमने SDM साहब को और कलेक्टर साहब को पहले भी अवगत करा चुके हैं कि उन्हीं व्यापारियों को दुकानें आवंटन की जाए। और उसके बाद में जो दुकानों का नक्शा बना हुआ है उसमें ऑल राजस्थान में कहीं ऐसा नहीं है कि दुकानों की साइज़ अलग अलग हो, और वहाँ पे 3 साइज़ की दुकानें बनी हुई, 20x40, 15x30 और 10x20 की। उसके लिए हम जयपुर भी गए, मुरैलाल जी मीणा साहब को भी अवगत कराया और इनको भी अवगत कराया, नाम क्या इनका, डायरेक्टर साहब सीताराम जी जाट को भी दिया हुआ है, पर उन्होंने भी अभी तक कोई कार्य नहीं किया। पिछले 1.5 वर्षों से हम वहाँ जा रहे हैं लगातार, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी हम SDM साहब को भी ज्ञापन देके आए हैं, पर उनसे भी कोई नहीं हो रही है। पिछले 6 या 7 तारीख को हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके गए थे, उसमें ये लिखा हुआ था साहब कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप कुछ कार्रवाई कीजिए, पर कलेक्टर साहब ने ओनली खाना पूर्ति करके हमें वापस भेज दिया था। उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और 14 तारीख को अभी दुकानें अलॉटमेंट हो रही है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। दुकानें किसको मिल रही है अब? दुकानें सर भूमाफिया को, पैसों के बलबूते जो अपना व्यापार चला रहे उनको, जिसमें 0.01% टैक्स था, उस टाइम टर्नओवर भी नहीं बनता था, आयकर रिटर्न के आधार पर टर्नओवर बनता था, और उन्हें कृषि मंडी के रिटर्न पर टर्नओवर बनाया, जिसकी सचिव ने अभी तक जांच नहीं करवाई है। आयकर विभाग से अभी निवेदन है कि आप उनके टर्नओवर की जांच करवाएं, और जांच एकदम सख्त तरीके से हो, ताकि उनका खुलासा हो कि उन्होंने टर्नओवर की जाँच करवाई कि नहीं करवाई। पुराने जो व्यापारी है सब्जी के फल फ्रूट के, उनको क्या दुकानें मिल रही है? नहीं सर, हम पहले नगर पालिका में बैठे थे जिसमें कृषि मंडी का कोई रोल नहीं था, और हम कृषि मंडी का टैक्स भी नहीं देते थे क्योंकि नगर पालिका में किराया जमा करवाते थे, और सचिव कृषि मंडी के टैक्स के आधार पर भूमाफियाओं को दुकानें आवंटन करा है, और हम जो 40 वर्षों से ये सारे व्यापार कर रहे हैं उनको दुकानें नहीं आ रहे। कितने व्यापारी हो? व्यापारी हम को टोटल 42 व्यापारी है, जिनकी लिस्ट भी सभी को दी हुई है। होलसेल हो रिटेल हो? सब होलसेल है, सभी होलसेल है। तो अब दुकानें नई कितनी बनी है? अभी दुकानें 85 दुकानें बननी है, उसका नक्शा प्रावधान प्रस्तावित हुआ है, दुकानें अलॉटमेंट होने के बाद बनेगी, पर उसमें क्या है 20x40, 15x30 और 10x20 की दुकानें। राजस्थान मंडी में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटी बड़ी साइज की दुकानें होती है। जोधपुर मंडी देख लो, फलौदी देख लो, जैसलमेर देख लो, भीनमाल देख लो, जालौर देख लो, सभी में एक समान दुकानें, सारे व्यापारी एक समान है, तो दुकानों की साइज भी एक समान होनी चाहिए। तो सचिव क्या कह रहा है? सचिव सर कोई जवाब नहीं दे रहा है, हम उनसे बार बार अवगत करवा चुके हैं, उन्होंने बोला सर आप अपने लेटर पेड पर लिख के दे दीजिए, प्रस्ताव जयपुर भेज दिए हम करवा देंगे, पर वो बोल रहे हम अगर वहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे तो हमारे गले आ जाएगी, हम प्रस्ताव नहीं बना के भेजेंगे। तो भी जिला कलेक्टर से मिले, उन्होंने क्या कहा? सर ने बोला है कि ADM साहब बालोतरा बैठे हैं, SDM साहब बैठे हैं, वो आपकी कार्रवाई करेंगे, मैं तो यहाँ से उनको भेज दूंगा, पर हमारी अभी तक तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार बालोतरा में पिछले 3 वर्षों से चला आ रहा है, और इसके लिए हम बार बार अवगत करवा चुके हैं। पिछली बार भी 2 बार हमने कैंसिल करवाई थी, पर उसका कोई असर नहीं हुआ, पुराने तरीके से अब वापस अलॉटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपका, मेरा भीमाराम नाम है, और मैं 15 साल से व्यापार कर रहा हूँ बालोतरा में, और कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन ही किया है, जब कोरोना काल में 42 व्यापारी को अस्थायी बिठाया था, हमारी यही मांग है इनको अस्थायी किया जाए, स्थायी किया जाए, और जो बड़े व्यापारी हैं जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
तो अब क्या कृषि मंडी के जो सचिव है वो क्या कह रहे हैं? सचिव ये कह रहे हैं कि कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास सबूत भी है उनके खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। तो अभी कलेक्टर से मिले, कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर ने यही कहा जो हमारे कलेक्टर SDM और वगैरह बैठे हैं वो करेंगे, वही होगा और इसके कोई सख्त कार्रवाई होगी। आप मतलब आपके अभी मांगे 42 लोगों की, व्यापारियों की मांगे नहीं मानी तो क्या आप आगे तक जाओगे? आगे हम भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि 14 तारीख को जो आवंटन तारीख दी है उसको रद्द किया जाए और नई प्रक्रिया चालू की जाए, ठीक है, जाँच की जाए और स्थायी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद ज्ञानचंद। परमानंद जी क्या मांग है आपकी? मेरे दुकान नहीं मिल रही है, मेरे 40-45 साल हो गए धंधे करके। हाँ। जोधपुर से माल आता है, टैक्स पेड आता है। हाँ। तो डबल टैक्स कैसे भरे थे? तो अभी आप मिले हो ना कलेक्टर से? हाँ मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कल। हाँ। भाई वहाँ तो इसमें भ्रष्टाचारी कौन फैला रहा है? भ्रष्टाचारी यही चल फैला रहा है, मतलब कौन कौन है? चार पांच बड़े व्यापारी है जिनों के पास पैसा है, वो नए पुराने हैं, जो अनपढ़ आदमी है, जो 42 आदमी है वो अनपढ़ थोड़े है। हाँ ठीक है, चलो। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरा राम है। मैं 40 साल से सब्जी का धंधा करता हूँ और पुरानी सब्जी मंडी के अंदर मेरे को दुकान मिली हुई है, 13 नंबर मेरा दुकान है और अभी मेरे को दुकान नहीं मिल रही है। और जो अभी नए व्यापारी 2 साल के अंदर जो नए व्यापारी है या भूमाफिया है उसको दुकानें मिल रही है और मेरे के उसके अंदर नाम निशान भी नहीं है। मैं 40 साल से सब्जी का धंधा करता हूँ। और मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही है, हमारे को दुकान चाहिए, जो भूमाफिया है उसकी ये दुकान जो आउटन कर रहे हैं उसको कैंसिल किया जाए, जो नई प्रक्रिया शुरू की जाए। हाँ, अभी जो नई प्रक्रिया शुरू की जाए और साइज की नई प्रक्रिया से दुकानें आवंटन की जाए। अगर दुकानें ये 14 तारीख में जो दुकान जो दे रहे हैं आउटन कर रहे हैं उन्होंने कभी जिंदगी में सब्जी नहीं बेची। हाँ उन्होंने कभी जिंदगी में सब्जी नहीं बेची, उनको दुकान आउटन हो रही है, मुझे मालूम नहीं कि ये कितने लोगों को हो रही है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको? 15-20 आदमी है, ऐसे 15-20 आदमी है उनको दुकान आउटन मिल रही है और हम ऐसे ही बैठे। ठीक है, धन्यवाद।